नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग भारत का इतिहास देख चुके हैं, विश्व का इतिहास देख चुके हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोगों ने कला एवं संस्कृति भी देख ली है। अब हम लोग संविधान पर थे। तो इसमें संविधान में लास्ट क्लास में हम लोगों ने संविधान की विशेषताएँ देखी थी। उसी चैप्टर में हम लोगों ने उद्देशिका देख ली थी। उसी क्लास में हम लोगों ने संविधान के जो स्रोत रहे हैं, कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया है, उसे भी देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो याद रखिए, सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जितने भी क्लासें होंगी, वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डली रहेंगी। आखिर सबसे पहले सवाल आता है, मौलिक अधिकार होते क्या है आखिर? तो याद रखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा, हमारा जो संविधान है, संविधान आपके संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, यानी कि जनता को प्रदान किए गए हैं, जिनमें राज्य, जो आपका राज्य होता है, द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और मौलिक अधिकार वे अधिकार इनके अंतर्गत जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। याद रखिए, ठीक है, हमारे जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं मौलिक अधिकार। अब इनके संविधान में हम लोग प्रावधान की बात करें, तो संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तस जस के तस वहाँ से उठा के अपने संविधान में रख दिए गए हैं। जो हमारे लिए जरूरी थे, उन्हीं को ही हमने अपने संविधान में लागू किया है, सम्मिलित किया है, यानी कि ठीक है। संविधान के भाग तीन को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। जब हमारा संविधान बना, यानी कि 1949, उसके 1950 में पूरी तरह से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हुआ। तो उस समय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे आपके। कितने? 7। लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति के अधिकार था, इसे हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था 1978 में। अब इसे अनुच्छेद 300A के तहत जोड़ा गया है संविधान के भाग 12 में। अब हम लोग अपने अधिकारों की बात करें, तो समानता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में सम्मिलित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार का मतलब है कि अगर आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो
तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सब अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, बात करते हैं नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार। अनुच्छेद 14, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो आपका राज्य होगा किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या फिर समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी कि विधि के समान सब पर वही कानून लागू होंगे, बराबर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को संरक्षण मिलेगा बराबर। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसे ऊंचा मान लिया जाए या पढ़ा लिखा है अनपढ़ है तो किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल आपका यानी कि अनुच्छेद 15 है, यह राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। धर्म मूल वंश जाति लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसे नीचा कर दिया जाए और कोई शहरों से है या फिर कोई नीची जात का है ऊंची जात का है, इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के बीच। अनुच्छेद 16, राज्य लोक नियोजन में धर्म जाति लिंग आदि आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि नौकरियों में भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इनमें अपवाद भी हैं कुछ। ठीक है, जैसे आपने अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों के लिए महिलाओं के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 18, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 22, बिना कारण बताए किसी के विरुद्ध निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और ना ही अपनी रुचि की विधि व्यवसायी से परामर्श लेने से वंचित रखा जाएगा। अगर कोई अनुच्छेद 22 के तहत आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के जो आपके पास अदालत कोर्ट होगा उसके सामने पेश किया जाएगा और आपको अपना वकील चुनने का पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 28, पूर्णता राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसे इस तरह से ले सकते हैं आप लोग कि आपके यहाँ कोई स्कूल खुला है, अगर वो सरकार से मदद पा रहा है तो उसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखिए। ठीक है, एक बात और हमेशा याद रखिए कि अभी हाल ही में कुछ ही दिनों परसों हम लोगों ने आपका कक्षा 9वीं की NCERT ख़त्म की है। अगर इन अधिकारों को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, आपकी रुचि है पढ़ने में, तो वहाँ जाकर देख लें, वहाँ बिल्कुल जीरो से पढ़ाया गया है और बहुत ही साधारण शब्दों में। ठीक है, तो उसे जाकर देख लें। अब हम लोग सकारात्मक अधिकारों की बात करें तो सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार अनुच्छेद 25, इसके तहत अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 29, प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी विशेष लिपि या फिर संस्कृति बनाए रखने की धार्मिक अधिकार है। क्या होता अगर आपको ये आर्टिकल 29 ना मिला होता तो जो आपके यहाँ बहुसंख्यक हैं वो आपकी संस्कृति भाषा लिपि से छेड़छाड़ करते, इसलिए संविधान ने आपको अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 30, धार्मिक या फिर भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया हुआ है। अब है आपका आर्टिकल 32, संविधानिक उपचार का अधिकार, मूल अधिकारों को विवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्पेषण, अधिकार, अपेक्षा, ये 5 रेट हैं, रेट जारी कर सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, संसद को नागरिकों के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के तहत अस्पष्टता को गैर कानूनी घोषित किया गया है। क्या हुआ कि आर्टिकल 17 आपका संविधान में जोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी अस्पष्टता यानी कि ऊंच नीच का भाव खत्म नहीं हुआ। तो फिर आपका 1955 में सिविल यानी कि सिविल अधिकार आया था, मानव अधिकार 1955 में, उसके बाद फिर भी नहीं हुई, कमी नहीं आई, तो 1976 में इसमें संशोधन किया गया। फिर उसके बाद 1993 में भी आपका एक अधिनियम आया, मानवाधिकार अधिनियम 1993। अगर आर्टिकल 21 की बात करें हम लोग, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 21 के तहत ही आपका निजता का अधिकार जोड़ा गया है। यह आपात की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है, जो आपका आर्टिकल है, ये कभी भी निलंबित, किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है आपके आर्टिकल 21 को। इसका अर्थ है कि मानव गरिमा एवं सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है। इसमें जीविकोपार्जन का अधिकार शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। बोलने की, अपने भाव प्रकट करने की स्वतंत्रता आपको 19 के अंतर्गत शामिल की गई है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का यानी कि बालकों से श्रम कराने का प्रतिषेध यानी कि इन्हें रोकने का प्रावधान आपका अनुच्छेद 23 में किया गया। कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया, यानी कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखने पर प्रतिबंध आपका आर्टिकल 24 के अंतर्गत लगाया गया। भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता जनक कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो कई बार पूछ लेता है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी, याद रखना। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है, अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिबंध 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाया गया था। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) खा में दी गई है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, उच्चतम न्यायालय, आपने आर्टिकल 32 के तहत देखा है। अधिकार प्रेक्षा के अंतर्गत न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। अनुच्छेद 15-16 एवं 19, 29, 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, याद रखना। जो आपकी का आर्टिकल 15, 16, 29 है, 19, 29 और 30, ये केवल आपके भारतीय नागरिक
जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को दिए गए हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया। सभी नागरिकों को संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक गा में प्रदान की गई है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक भार दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक भार दंड नहीं दिया जा सकता है। यह आपका अनुच्छेद 20 में वर्णित किया गया है, यानी कि इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 20 में किया गया है। इस केस को याद रखना, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा है कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 21A यानी कि अनुच्छेद आपका 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसे 2002 में जोड़ा गया है। एक बात लोग हमेशा याद रखिए, आपको जो भी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं अधिकार, ये तब तक रह सकते हैं जब तक दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। अब आपको बोलने का अधिकार है तो ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में जाकर यानी कि किसी भीड़ भाड़ जगह में जाकर गाली देने लगें और आप बोलें कि मुझे अधिकार है, बोलने का अधिकार है। अब संगठन बनाने का है अधिकार तो आप संगठन बनाएं, कहीं आतंकवादी या नक्सलवादी संगठन बना लें, तो ऐसा अधिकार नहीं है। अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें। जहां दूसरे के अधिकारों का हनन होता है आपकी वजह से आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं, याद रखिए। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का यानी कि अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति आपका अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(5) 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों अनुसूचित जाति और जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्रेरित है जिसमें डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन की अवधारणा व्याप्त है, यानी कि विधि के समक्ष समता आपके ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 39 घा को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार बन जाता है। अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 14 विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया है।
संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्तियों या फिर पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें वाक स्वतंत्र शब्द स्वतंत्र शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया, जबकि अभिव्यक्ति स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की अपनी मौलिक एवं विशिष्ट व्यवस्था है। किसी व्यक्ति को टेलीफोन टैप करना वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) का तथा प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता 21 के का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति किसी के टेलीफोन यानी कि आप बात कर रहे हैं उसे टैप करता है यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग करता है तो आपके अनुच्छेद 19(1) का और आर्टिकल 21 के का उल्लंघन माना जाएगा, यानी कि आपको 19(1) का और 21 से वंचित रखा जा रहा है। मैं एक सलाह दूंगा कि कोई भी हो, आप इंडियन हैं तो एक बार आप लोग NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप भारतीय हैं तो आपको इन कानूनों के बारे में जानना चाहिए। कोई आपको परेशान कर रहा है, कई जगह आपने देखा होगा पुलिस वाले आपको परेशान करते हैं, कोई अधिकारी परेशान करता है, फिर कोई विधायक मंत्री आपको परेशान करता है, तो आप लोग उनके विरुद्ध तो जा सकते हैं। इसलिए NCERT पढ़िए, मेरी सलाह यही है। आप पेपर दे रहे हो या ना दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, उन NCERT को सुन जरूर लीजिए। उनमें बहुत ही डिटेल में समझाया गया किस तरह से आप किसी के विरुद्ध जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले अधिकारों की बात करें तो अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि पैर में अब डंडा बेड़ी नहीं डाल सकते हैं आपके, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और निजता का अधिकार, और जो आपकी शिक्षा है शिक्षा का अधिकार, इसी में सम्मिलित किए गए हैं आपके 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है उसे भी आपका मौलिक अधिकार माना गया है। याद रखिए आपको इतनी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं आर्टिकल 21 के तहत। अब हम लोग आगे चलें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रेट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में निम्नलिखित 5 प्रकार की रेट जारी यानी कि याचिका हैं, कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, कार्यपालिका एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार जो कि अवैध निरोध के विरुद्ध जारी की जाती है। इसमें न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामान सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी करता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर यह निर्णय लेता है कि निरोध उचित है अथवा अनुचित, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद कोर्ट आप उन्हें ऑर्डर देगा जिसने गिरफ्तार किया है पुलिस हो कि उसे आपको जो न्यायालय है सबके पास में आपके उसके सामने सशरीर यानी कि आपको प्रत्यक्ष तौर पर वहाँ उपलब्ध कराया जाए और फिर वो निर्णय करेगा कि ये गिरफ्तारी सही थी या गलत थी। अगर हम लोग परमादेश की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं या उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी
अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता। इस आदेश में उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अगर थाने जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं और आपकी रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है, यानी कि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जारी करेगा कि लिखना पड़ेगी फिर उसके बाद, ठीक है। उन्हें फिर आपका उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि अधिक जानकारी प्राप्त करना। ये आदेश कानूनी क्षेत्र अधिकार से संबंधित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किए जाते हैं। फिर आपका प्रतिषेध, क्या है प्रतिषेध? प्रतिषेध का मतलब हो गया कि यह तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायिक अधिकरण या अथवा अध न्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें उक्त न्यायालय को कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है। अगर अधिकार अपेक्षा की बात करें तो जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकार के रूप में कार्य करने लगता है जिसका कि वह वैधानिक रूप से अधिकार अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय उस रेट द्वारा पूछता है कि किस आधार पर वह इस पद पर कार्य कर रहा है। इसका मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई 10वीं तक क्लास तक का टीचर हो और वो उच्च शिक्षा को में यानी कि कॉलेजों में पढ़ाने लगे, तो वहाँ इस तरह की रिट जारी कर सकते हैं। इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता है। 97वें संविधान संशोधन विधेयक 2011 द्वारा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(ग) में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। 97वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है इसका। ऐसा देश में सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, ठीक है। यही हम लोग बात कर लेते हैं अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये तो हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकार कोई हमें रोकता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि उससे बोल सकते हैं कि हमारा अधिकार। लेकिन अब हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, इसका सीधा सा मतलब ले सकते हैं कि कोई आप पर भरोसा कर रहा है, ठीक है, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि उसका भरोसा बनाए रखें, कि नहीं बनता है? कोई आप पर 10 रुपया खर्च कर रहा है तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि उसके 2 रुपये उस पर भी खर्च कर दें, तो ये वही है। मौलिक अधिकारों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगर पूछे कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो ये आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। इसे सोवियत संघ यानी कि जिसे अब रूस कहते हैं हम, उसके संविधान से लिया गया है। तो रूस को पहले सोवियत संघ कहते थे। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है, ठीक, याद रखना। इसके निम्नलिखित प्रावधान है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा स्थान पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का निर्माण करें जो स्त्रियों का सम्मान करें, यानी कि महिलाओं का सम्मान करें।
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत आपके वन हो गए, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानजन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। अब बताइए कितनी अच्छी बात लिखी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाना, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये आपका अधिकार है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत या और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है। माता पिता या फिर संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना यह आपका कर्तव्य। इसे आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, जिसे मौलिक अधिकार में भी आपका आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो अभी आपके 11 कर्तव्य हैं, कितने हैं, 11 कर्तव्य हैं। 10 जब संविधान संशोधन हुआ 42वां तब थे, फिर आपका 2002 में एक और कर्तव्य जोड़कर टोटल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए। तो चलिए मौलिक अधिकार देख लिए हम लोगों ने, मौलिक कर्तव्य देख लिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इन सभी को, संविधान को तो आप लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में।